व्यूअर्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम केक बनाने की रेसिपी लाई हूँ बगैर ओवन के बगैर बटर के बग़ैर कुकिंग ऑयल के बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सा क्रीम केक बनके हमारा तैयार होगा और इस केक के साथ साथ मैं आपको केक का स्पंज बनाना केक की क्रीम को विप करना और साथ ही साथ बहुत सी टिप्स भी बताऊंगी इन शाला तला आज आप ये छोटी सी वीडियो देखकर बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे मतलब ये कि एक एक पॉइंट में आपको इतना डीपली बताऊंगी कि इनशाला तला आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आपने क्या करना है बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है और हर पॉइंट को नोटिस करना है तो चलिए हम अपना मज़ेदार सा क्रीम केक बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि दिखने में जितना दिलकश और ख़ूबसूरत लग रहा है खाने में इससे कहीं बढ़कर मज़ेदार तैयार हुआ है तो वीवर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चार अदद लिए हैं अंडे इनको डालूंगी एक बाउल के अंदर और अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम चीनी जो कि आधा कप से देखिए थोड़ी सी कम है आधा इंच चौसा कप है वो नीचे है यानी आपने आधा कप भर के नहीं लेना थोड़ा सा ऊपर से कम लेना है तो चीनी को ऐड कर देंगे और अब इसे हम बीट करेंगे इतना बीट करना है कि अंडे बिल्कुल फ्लफ़ी से हो जाएं और क्रीमी सी शक्ल में आ जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ तो तकरीबन आपको यहाँ पे चार से पाँच मिनट लग जाएंगे फुल स्पीड पर आपने बीटर को चलाना है और तेज़ स्पीड पर चलाते हुए आपने अंडों को इतना विप करना है कि बिल्कुल एक क्रीमी सी शक्ल में आ जाए जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तकरीबन तो पाँच मिनट तक मुसलसल इसे बीटर को चलाते हुए बीट किया है तो देखिए बिल्कुल क्रीमी से टेक्सचर में आ गए हैं हमारे अंडे और चीनी ये देखिए क्रीम की तरह थिक है अगर आपको इससे पतले महसूस हों तो आप इसे थोड़ी देर और बीट कीजिएगा बिल्कुल क्रीम की तरह नीचे गिर रहे हैं तो चलिए अब यहाँ पर हमारा पहला स्टेप ख़त्म होता है तो अब अगला स्टेप शुरू करते हैं तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ये कि अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है और एक अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारे केक में अब इसमें मैंने लिया है मैदा सौ ग्राम ही मैदा है और देखिए एक कप से थोड़ा सा कम है यानी हाफ इंच जो है हमारा कप ऊपर से खाली है तो भरा हुआ नहीं है ये सौ ग्राम मैदा है अब इसे हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है इस बैटर के अंदर और हाथ के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है कोई स्पैचला वगैरह यूज़ नहीं करना या चम्मच वगैरह बल्कि हाथ को इस तरह से पूरा चारों उँगलियाँ खोल लेनी है और खोलते हुए हाथ को मुसलसल चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाना है यहाँ तक कि ये सारे का सारा मैदा जो है अच्छी तरह से इस मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए तो वीवर्स आपने बस तेज़ी से हाथ को चलाते जाना है और उंगलियों को खोल के पूरा हाथ जो है इसके अंदर तेज़ी से एक ही डायरेक्शन में चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके देखिए मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया है और यहाँ पे अब सारी मिक्सिंग इसकी कर ली है तो चेक कर लेते हैं कि मिक्सिंग हो चुकी है या नहीं तो उसका तरीका यह है कि आपने हाथ से इस तरह से बैटर को उठाना है और नीचे की तरफ गिराना है तो देखिए इसके अंदर कोई भी गुठली या लंप वगैरह नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल स्मूदली हमारा बैटर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है मैदा हमारा बहुत अच्छे से इस बैटर में मिक्स हो चुका है तो यहाँ पे बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है तो चलिए अब हम चलते हैं केक टिन की तरफ बस यहाँ पे मैंने एक स्केच शेप में केक टिन लिया है एक पाउंड केक का और अच्छी तरह से इसे ब्रश के साथ मैंने ऑयल लगा लिया है अगर आपके पास ब्रश ना हो तो हाथ की मदद से भी ऑयल लगा सकते हैं अब एक बटर पेपर मैंने इसके साइज़ का कटिंग करके रखा हुआ है वो मैं इसकी बेस में बिछा दूंगी और इस बटर के पेपर के ऊपर भी मैं ब्रश के साथ ऑयल लगा दूंगी अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कॉपी का कोई सा भी आम कागज भी यूज़ कर सकते हैं वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा सेम इसी तरीके से या फिर आप मैदा डस्ट करके भी इसके केक बना सकते हैं जो कि मैंने आपको पहली रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ अगर बटर पेपर ना हो तो आप इसके अंदर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं तो चलिए केक टिन हमारा रेडी है अब ये बैटर जो हमने रेडी किया है इसको हम डाल देंगे इस केक टिन के अंदर तो भी बस या तो आप केक टिन पहले से रेडी करके रखिएगा या फिर अपने बैटर बनाने के बाद बस एक मिनट के अंदर अंदर इस केक टिन को रेडी करना है और फ़ौर से ये बैटर डाल देना है ज़्यादा देर तक आपने बैटर को इस तरह से नहीं रखना तो बस ये देखिए अब इसके अंदर मैं एक टूथपिक लेके अच्छी तरह से घुमा दूंगी इस तरह से चला दूंगी ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से टूथपिक को इसके अंदर चला दिया है घुमाते हुए अब ये हमारा बैटर रेडी है ओवन में बेक करने के लिए या फिर देगची में बेक करने के लिए तो मैं यहाँ पे एक देगची ली है मैंने और इसे मैंने 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था और ये अच्छे से गर्म हो चुकी है अब इसके अंदर स्टैंड रखें अगर आपके पास घर पर स्टैंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है आप इसके अंदर कोई सी प्लेट कोई सी कटोरी स्टील की जो है उसे यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैंड मैं यहाँ पर आज एक प्लेट को एज़ ए स्टैंड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे देखिए मैंने स्टील की एक प्लेट जो है उल्टी करके देखती के अंदर रख दी है अब ये हमारे स्टैंड का, का काम करेगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी केक टिन को बस आपने ये ख्याल करना है कि केक टिन चारों तरफ से देखची के साथ टच नहीं होना चाहिए तो ये देखिए इसके चारों कॉर्नर जो हैं ये टच नहीं हो रहे अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी अच्छी तरह से आपने वो देखची यूज़ करनी है जिसका कैप अच्छी तरह से बंद हो जाता हो और इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा डाल दूंगी ताकि इसके किनारों से जो गर्म हवा है वो बाहर ना निकले और इसका टेम्परेचर मेनटेन रहे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे हम इसको थर्टी टू फोर्टी मिनट तक बेक करेंगे जैसे हम जावलों को दम लगाते हैं बस उतना ही फ्लेम रखेंगे और फोटी मिनट्स तक इसको हम बेक करेंगे तो वीबर्स यहाँ पे हमारी देगची को कुछ भी नहीं होगा मेरी बहुत सी बहनें परेशान हो जाती हैं कि शायद देगची ख़राब हो जाती है तो देगची को कुछ भी नहीं होता आप जितने मर्ज़ी केक बेक करें देगची उसी तरह की उसी तरह ही रहती है तो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके थे तकरीबन तो चलिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसका कपड़ा उतारूँगी अब इस ढक्कन को गर्म है इसे उतारूँगी इसके ऊपर से और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक जो है वो बेक हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वेवर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त केक फूल के सॉफ़्ट स्पंजी बनके तैयार हुआ है हालांकि हमने इसमें ना तो कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है और ना ही कोई बेकिंग सोडा तो ये देखिए बगैर कुकिंग ऑयल के बगैर बेकिंग पाउडर के बग़ैर बटर के बग़ैर घी के हमने केक तैयार किया है और कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है चेक कर लेते हैं एक टूथपिक ली है मैंने इसके अंदर इंसर्ट की है तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर है इसका मतलब है हमारा केक रेडी हो चुका है अगर आपकी टूथपिक के साथ कोई चीज़ चिपकी हुई महसूस हो आपको तो आप इसे दस से पंद्रह मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं देखची से तो यहाँ पे हमारा केक स्पंज रेडी हो चुका है इसे मैंने देगची से निकाल लिया है और देखें इसके किनारे देखें बिल्कुल खुद ब खुद ही अलग हो रहे हैं ये हमारे केक पकने की पहचान है कि देखिए इसने किनारे छोड़ दिए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट किनारे हैं इसके तो आपने इसे ओवर कुक नहीं करना यानी इसे बस चेक करना है जब तैयार हो जाए तो फ़ौर से निकाल लेना है अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे ज़्यादा देर तक ये पड़ा रहेगा तो फिर इसके किनारे जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बन तैयार हुआ है इसे हम ठंडा होने देंगे थोड़ा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग करके और इसे निकाल कर तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम विप कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ केक के लिए ये विपी विप विपिंग क्रीम यही क्रीम है जो केक के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है ये एक किलो की पैकिंग है और आधा किलो की पैकिंग में भी मिलती है और एक के पैकेट से तकरीबन चार से पाँच केक बन जाते हैं इसके ईजिली तो यहाँ पर देखिए मैं इसे विप करने लगी हूँ अब पहले इसे अच्छी तरह से शेक करेंगे और उसके बाद इसे खोलने का भी मैं आपको तरीका बता दूं तो ये देखिए इसके इस साइड पे लिखा हुआ है कि आपने इस साइड से इसे खोलना है वो इसलिए कि हमने जब केक की क्रीम थोड़ी निकाल लेनी है केक के लिए तो बाकी क्रीम को हमने बाद में सेव करना होता है तो इसलिए आपने छुरी के साथ या कैंची के साथ ऊपर से इसे नहीं काटना बल्कि इस तरीके से ये देखिए इसे इस तरीके से खोलना है आपने ताकि बाद में पैकेट को दोबारा बंद करके तो फिर से आप फ्रीज़र में रख सकें अच्छी तरह से इसे हिला लेंगे पहले एक मरतबा खोलने से पहले क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज़ और इसे आपने हमेशा फ्रीज़र में रखना है यानी बर्फ़ वाले खाने में और जब यूज़ करनी हो तो आप उससे तकरीबन कोई घंटा पहले निकाल के तो नीचे फ्रिज में रख दें मैंने इसे फ्रीज़र में रखा हुआ था लेकिन अब मैंने यूज़ करनी थी तो मैंने इसे एक घंटा पहले निकाल के तो फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख दिया था तो ये मेल्ट हो गई है काफ़ी हद तक पहले ये जमी हुई थी और अब मैंने इसे अच्छी तरह से हिलाया है तो अंदर हिलती हुई महसूस हो रही है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने इस पैकेट को खोलना है और इसमें से जितनी क्रीम निकालनी है निकाल के तो बाकी पैकेट आपने बंद करके फिर से क्रीम को सेव कर लेना है है यहाँ पे मैंने तकरीबन एक कप क्रीम जो है माप के ली है और एक कप क्रीम से हमारा एक पाउंड का केक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन के रेडी हो जाता है तो यहाँ पे अब मैं इसको विप करूँगी तो उसके लिए देखें मैंने बीटर को चलाऊँगी पहले नॉर्मल स्पीड पर एक मिनट तक पहले मैं इसे नॉर्मल स्पीड पे चलाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी स्पीड तेज़ कर दूंगी और इसको हाई स्पीड पर पाँच मिनट तक मुसलसल बीट करूंगी तो वीवर्स आप देखिएगा कि ये क्रीम जो है ये पूरा बाउल भर जाएगा इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी तो इसलिए आपने जब इसे बीट करना है तो कोई बड़ा बाउल जो यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि जब अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो फिर आप इसे किसी ठंडी जगह पर नीचे बर्फ़ रख लें बाउल में या फिर किसी ए वाले कमरे में बैठ के तो फिर आप विप करें क्योंकि फिर गर्मी की हीट से जो क्रीम है वो ठीक से विप नहीं होती तो यहाँ पे देखिए अभी मौसम नॉर्मल है तो इसलिए मैं इसे किचन काउंटर पे ही विप कर रही हूँ तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से विप करना स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर किसी भी किस्म की चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी होती है इन इसके अंदर चीनी पहले से शामिल है बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इस क्रीम का और बहुत ही ज़बरदस्त विप होती है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि, कि क्रीम को विप करने की ठीक से क्या निशानी है तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग इस स्टेज पर समझते हैं कि हमारी क्रीम काफ़ी फ्लफ़ी हो गई है और ये विप हो चुकी है तो वो इसे विप करना बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है थोड़ी देर बाद जब वो केक पर क्रीम हैं, तो कुछ ही देर के बाद उनका केक बैठ जाता है तो उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने क्रीम को ठीक से विप नहीं किया होता तो अभी क्रीम इसकी विप नहीं हुई लग रही है लेकिन हुई नहीं है इसे मैं मज़ीद विप करूँगी और फिर मैं आपको इसकी निशानी बताती हूँ कि आपने इसे चेक कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने क्रीम को मुकम्मल तौर पर विप कर लिया है पाँच से छः मिनट तक और मुझे लग रहा है ये विप हो चुकी है तो आपने ये करना है कि देखें इस बाउल को पूरे का पूरा उल्टा कर देना है तो देखिए मैंने पूरा बाउल उल्टा किया है तो क्रीम अपनी जगह से ज़रा बराबर भी नहीं हिल रही इसका मतलब है हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे से विप हो चुकी है तो बस यही अलामत है क्रीम के विप होने की कि ये अपनी जगह पर ठहर जाए अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले नहीं यह क्रीम हमारी विप हो चुकी है तो अब चलते हैं अपने केक की के तरफ तो केक टिन भी हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है तो छुरी को चारों तरफ से फेर लेंगे एक दफ़ा ताकि इसके जो किनारे हैं वो फ्री हो जाएं और अब इसको उलट के इस तरह से निकाल लेंगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हुआ है कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है यहाँ पे इसका बटर पेपर उतार लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे हमने इसे तीन लेयर्स में काटना है तो फिर अगर आप इसे छुरी से काटेंगे तो इतना परफेक्टली नहीं कटेगा तो इसके लिए देखिए मैं धागा इस्तेमाल कर रही हूँ नलकी का आम धागा है इसे इस तरह से आपने दोनों तरफ से रख के पहले फ़िक्स कर लेना है धागे को और उसके बाद इस तरह से इसे दोनों किनारे पकड़ के इसके दोनों सिरे तो आपने आस्ता आस्ता से इसे खींचते जाना है तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा केक जो है उसकी एक लेयर कट के देखें सेपरेट हो गई है और सेम इसी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी दूसरी लेयर भी काट लूँगी तो यहाँ पर वीवर मैं आपको चेक करवाती हूँ तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कितना परफेक्ट सॉफ़्ट और स्पंची केक हमारा बनके तैयार हुआ है देखिए कितना जालीदार है और कितना स्पंची है और सॉफ़्ट देखें कितना है मैं इसे मोड़ रही हूँ तो बिल्कुल भी देखें टूट नहीं रहा बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा इसका मतलब है कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है और वीवस जिसके किनारे भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये देखिए तो अब इसी तरीके से मैं इसकी एक लेयर और कटिंग कर लूँगी धागे की मदद से तो अब हम इस केक की आइसिंग करेंगे तो उसके लिए देखिए मैंने एक केक बोर्ड लिया है थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर लगाई है सेंटर में और इसके ऊपर हम अपने केक की एक लेयर को रख देंगे थोड़ा सा देखें इसे सेट करेंगे इसे हाथ के साथ ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से और अब इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप ये मैंने तकरीबन आधे कप पानी के अंदर चार चम्मच चीनी डाल के अच्छे से ठंडा कर लिया है फ्रिज में रख के नीम गर्म पानी था उसके अंदर मैंने चीनी को अच्छे से डिजॉल्व किया था उसके बाद इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इस शुगर सिरप को मैं इस तरह से मैंने बोटल के ढक्कन में सुराख किए हुए हैं और इस तरह से मैं डाल के केक को मॉइस्ट करूँगी ये करना बहुत ज़रूरी है इससे जो आपका केक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा मॉइस्चर हो जाएगा इसके अंदर और दूसरा ये कि इसके ऊपर क्रीम ठहर जाएगी जब तक आप इसके ऊपर इसे इस तरह से केक को गीला नहीं करेंगे शुगर सिरप के साथ जो क्रीम है वो आपके केक को अब्ज़ॉर्व नहीं करेगी तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर ये डालना है शुगर सिरप ताकि अच्छे से केक हमारा मॉइस्ट हो जाए अब हमने थोड़ी थोड़ी जो क्रीम है इसे अब डालना है इस केक के ऊपर और लेवल कर लेना है ताकि क्रीम की एक पतली सी लेयर जो है हमारे केक के ऊपर लग जाए अब यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लिया है और अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया है चार से पाँच चम्मच जैम है और इसे मैंने अच्छे से बीट किया है फ्लफ़ी सा हो गया है थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको भी प्लेन कर लेंगे और अब यहाँ पर केक की सेकेंड लेयर देखिए कितनी सॉफ्ट है इसको रखेंगे इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको भी मॉइस्ट करेंगे उसी तरह से शुगर सिरप के साथ पहले और फिर दोबारा वही प्रोसेस करेंगे कि पहले ऊपर हम लगाएंगे क्रीम की एक पतली सी तय लेकिन उससे पहले हम इसके किनारे जो हैं अच्छी तरह से इनको भी क्रीम लगा के नीट कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए शुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से मैं इस केक की इस तय को भी मॉस्ट कर, मॉइस्ट करूँगी तो ये आपने ज़रूर करना है कि जब तक आप इसे मॉइस्ट नहीं करेंगे ना तो क्रीम जो है वो अच्छे से ठहरेगी केक के ऊपर और ना ही हमारा केक जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगा तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट किया है केक को और अब इसके ऊपर दोबारा से पतली सी क्रीम की एक तय लगा देंगे जितनी क्रीम आपको पसंद है आप उतनी लगा सकते हैं और उसके अलावा अगर आप पाइनएपल वग़ैरह या किसी और फ्रूट का फ्लेवर आपको पसंद है तो सबके जो क्रश हैं वो मिल जाते हैं मार्केट से तो आप उसकी भी एक लेयर इसके ऊपर लगा सकते हैं पाइन ऐपल के भी लगा सकते हैं या आप इसमें मिक्स फ्रूट की भी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो आप उसकी लेयर जो है इस क्रीम के ऊपर लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका फ़्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है और ये इजीली अवेलेबल है तो मैंने बस जैम को बीट किया था अच्छे से और इसको भी मैं इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छे से फैला दूंगी और एक लेयर जो है इसके ऊपर लगा दूँगी अब यहाँ पे मैंने केक की आखिरी लेयर जो है वो लगा रही है इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करते हुए इसे भी उसी तरह शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट करूँगी और अब इसके ऊपर भी मैं क्रीम की एक लेयर लगा दूँगी लेकिन इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी की लेयर नहीं लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएंगे और थोड़ी ये लेयर जो है पहली लेयर्स की नस्पत ज़रा मोटी लाएँगे क्योंकि ये हमारी फाइनल लेयर है और अब इसके किनारे भी साथ साथ नीट कर लेंगे तो किनारे के ऊपर भी मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा दूँगी तो यहाँ से मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की थी क्योंकि मुझे लगता था वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये सारे स्टेप्स आपको बताना बहुत ज़रूरी थे कि जो फर्स्ट टाइम बनाए केक उसका भी बहुत अच्छे से बन जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से केक को क्रीम के साथ कवर कर लिया है तो अब मैं इसको नीट करूँगी पहले इसके किनारे जो हैं उनके ऊपर मैं इस तरह से ये कार्ड आप कार्ड ले लें अगर कार्ड वगैरह ना हो तो इस तरह का स्क्रैपर यूज़ कर लें अगर स्क्रैपर भी ना हो तो आप बच्चों के स्कूल का जो स्केल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने केक के जो किनारे हैं उसके ऊपर एक अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो गया है तो केक ऊपर से भी हमारा प्लेन हो चुका है तो अब इसे हम एक दफ़ा साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से टिशू पेपर के साथ सारी इसकी साइड्स जो हैं उनको नीट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा केक बहुत अच्छी तरह से नीट हो चुका है और क्रीम से कवर हो गया है चारों तरफ से अब यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और उसके अंदर मैंने एक नोज़ल डाली है थोड़ी सी क्रीम में जो है मैं इसके अंदर फ़िल कर लूँगी तो इस तरह से ग्लास पे चढ़ा के अगर आप पाइपिंग बैग तो उसके अंदर क्रीम फिल करें तो बहुत ईजिली ये फिल हो जाती है और अब इसके साथ हम केक के ऊपर करेंगे डिज़ाइनिंग अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग वग़ैरह ना हो तो आप ये पाइपिंग बैग घर पर ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं प्लास्टिक शीट की मदद से और नोज़ल जो है आप पेप्सी वगैरह की बोटल लेके उसकी स्ट्रिप काट कर तो उसके आगे भी डिज़ाइनिंग करके आप ये नोज़ल भी खुद से रेडी कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए अब मैं केक के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी तो सबसे पहले मैं इसके जो किनारे हैं उसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाऊँगी इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है देखिए मैंने इसके ऊपर बना लिया है और अब इसके सेंटर में मैं फूल बना दूँगी इस तरीके से नोज़ल को घुमाते हुए और इसके सेंटर में मैंने जेलीज़ लगा दी हैं और यहाँ पे मुझे साइड से भी केक खाली लग रहा था तो मैंने दो फूल और बना दिए हैं और यहाँ पे मैंने ये बीस रुपए वाली जेली इस्तेमाल की है इसको डेकोरेट करने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर पाइनएपल या फिर चेरी वग़ैरह भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर केक हमारा रेडी हो चुका है इसे हम फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जैम बच गई थी तो मैंने नोजल में डाल के तो उसके साथ मैंने इसके किनारे पे डिज़ाइनिंग कर ली है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रीम केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है आई होप होपवर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा क्रीम केक बन के तैयार हुआ है इसे आप बर्थडे पार्टी के लिए भी रेडी कर सकते हैं आगे जैसा कि ईद आ रही है तो आप इसे ईद केक के तौर पर भी घर पर बसानी बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसान सी परफेक्ट केक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है तो चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये देखिए अंदर से भी कितना खूबसूरत दिख रहा है और कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर क्रीम की लेयर्स आई हैं तो आई होप यूवर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये केक बनाने की रेसिपी कैसी लगी तो इन शाला तौर मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़